रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। दुमका से ब्यूरो सुरेश प्रसाद ने खबर दी है कि हसदिया थाना क्षेत्र के दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर धावा टाण गांव के समीप बम्बास की लाइन होटल के समीप तेज रफ्तार से आ रहा गैस टैंकर ने रास्ते पर खड़ी बस में जोरदार टक्कर मारी, जिसके कारण तीन बसें मौके पर जलकर खाक हो गई। वहीं सड़क के किनारे स्थित तीन मकान भी आग के चपेट में आने से बुरी तरह जल गए और मकान में रहने वाले परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया। लाखों की संपत्ति भी जल गई। वहीं एक व्यक्ति का जला शव बरामद किया गया, साथ ही करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही हसदिया थाना प्रभारी सुगना मुंडा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव में लगे रहे। सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवेंद्र ठाकुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल, पुलिस निरीक्षक नवल किशोर सिंह भी पहुंचे। वहीं प्रशासन के पहल पर अग्निशमन विभाग की दो गाड़ी एवं जेसीबी मशीन के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद करीब दो घंटों में आग पर काबू पाया जा सका। आज दुमका जिला के बढ़ेत के पास जो ये घटना हुई है, जिसमें कि आपका घर जला है, ये कैसे जला घर आपका? घर गैस सिलेंडर पलटी हो गया, इसी से आग लग गया। घर में कोई चीज का व्यवस्था नहीं, सब जल गया। तो आग लगने का क्या कारण था? आग लगने एक बार गैस सिलेंडर जो पलटी खाया, इसी से आग लग गया। तो आप लोग इसी घर में रहते थे? हाँ, इसी घर में रहते हैं, सब कुछ अनाज पत्थर सब इसी। तो कितना का क्षति हुआ आपको? क्षति क्या क्या बताएंगे, 2-4 लाख 5 लाख का खर्चा क्षति हो गया। खाना पीना का भी सारा सामान जल गया? सारा सामान जल गया। अभी आप लोग इसी घर में रह रहे थे? इसी घर में रहते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? 32 कापरी। कहाँ घर हुआ? ढावाटा जी। आज दुमका जिला के हसदिया थाना क्षेत्र के ढावाटाण के पास जो ये घटना घटी है, आज टैंकर गाड़ी जो ब्लास्ट किया है, ये कैसे हुआ? ये देखिए, हम तो ग्रामीण हैं। जैसे कि आग लगने के बाद उधर से गाड़ी आई, वहाँ पास खड़ी थी इसका द्वार पे, उधर से आगे वो ठोकर मार दी। उसके बाद जैसे आग का लपेट लंबा हुआ तो हम लोग गांव से दौड़ के आए। उसके बाद आके देखे तो इसका मतलब तीन बस और इसका पूरा घर में आग लग चुका था, जिसके कारण लगभग इसका 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और जो आसपास के ग्रामीण थे वो इसमें मतलब 8 से 10 आदमी घायल है। इसमें टैंकर का ड्राइवर जो है उनका क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग वहाँ सट नहीं पा रहे थे, इतना जोर का ये मतलब आग का लपेटा था। कौन सा टैंकर था? किसी कारण वो सब देखिए, हम यही सक ये हसदिया थाना का लगभग दूरी कितना होगा यहाँ से? यहाँ से हसदिया थाना की दूरी 6 किलोमीटर है। सरकार से ही दरख्वास्त करेंगे इसको कुछ मुआवजा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार यादव। कौन लगते हैं आप? हम यही गांव के हैं, मतलब बगल गांव से। आज दुमका जिला के हसदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ेत गांव के पास जो ये घटना, धावाटाण के पास ये घटना कैसे हुई? गैस सिलेंडर गाड़ी, बड़ा गाड़ी उधर से आके, मेरा गाड़ी खड़ा था वहाँ पर, मारा है तो उसी के चलते अब गैस सिलेंडर फट गया तो मेरा गाड़ी जल के रहा। तो आपका गाड़ी क्या रोड पे खड़ा था कि घर के सामने खड़ा है? तो रोड में कितना बस था आपका? 3 गो है वहाँ पर। लगभग कितना? 3 गो जल गया। लगभग कितना का क्षति आपको हुआ है? 20-40-70 लाख का। और घर भी जला? घर 2 लाख। घर का लगभग कुल मिला के लगभग 1 करोड़ के आसपास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित प्रसाद यादव। कहाँ घर हुआ? ढावाटाण। आज जो घटना हुआ है आपके घर के पास, कहाँ पे हुआ है? यहाँ बढ़ेत के बगल में ढावाटाण गांव है, इसी जगह रोड में गैस वाला गाड़ी ब्लास्टिंग कर गया, इसी के कारण से मेरा खाना पीना रहन सहन सब यहीं था, इसी कारण से मेरा सब कुछ जल गया। हम लोग गरीब आदमी हैं, खाना पीना असुविधा है, इस तरह का हो गया, हम लोग कैसे जिए और कैसे बचे। यानी कि अभी आप लोगों का खाना पीने का कोई सामान नहीं बचा? कोई सामान नहीं बचा, सब जल गया। लगभग कितना का क्षति हुआ आपके घर पर? 4-5 लाख का हो गया। तो अभी खाना उन्हें चावल वावल भी खत्म हो गया? सब खत्म हो गया। सब जारी। क्या नाम हुआ आपका? मीला देवी। मेरा नाम उत्तमा देवी। ठीक।